आसनसोल शहर के बीबी कॉलेज में सक्रिय तृणमूल छात्र परिषद के छात्र संसद के महासचिव सुशोभन माझी पर छात्र संसद के सहायक महासचिव दानिश अजीज ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। सोमवार को दानिश अजीज ने कहा कि कॉलेज में छात्रों की बहुत सारी परेशानियां हैं। छात्र अपनी समस्याएं लेकर महासचिव के पास जाते हैं, लेकिन महासचिव अपने गुट के सदस्यों की समस्या ही देखते हैं, अन्य की समस्या जस की तस रहती है। सोमवार को दानिश अजीज के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठ इस विषय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस विषय पर प्राचार्य अमिताभ बासु ने कहा कि यह छात्रों का निजी मामला है, इसे वे लोग स्वयं बातचीत कर सुलझाएंगे। गेट बंद कर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, वे जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। वही आरोपित महासचिव सुशोभन माझी ने कहा कि दानिश मीडिया में आने और प्रचार करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहा है, उसके सारे आरोप सरासर झूठे हैं। इसके बावजूद उसकी समस्या है तो वो उनसे बात करेंगे, लेकिन दल उसके आंदोलन का समर्थन नहीं करता, इसकी जानकारी उच्च पदाधिकारियों को दी जाएगी। হ্যাঁ, কলেজের পরীক্ষা চলছে যখন তখন ওরা কোনো হ্যাম্পার কিছু হয়নি, ওরা এখনই কিছুক্ষণ আগে বসেছিল, আমি এখনই জানতে পারলাম কলেজে পরীক্ষার সমস্ত স্টার্ট হয়ে গেছে, কলেজে পরীক্ষা কোনো হ্যাম্পার হয়নি। আর টিএমসিপির পক্ষ থেকে হচ্ছে কিনা এরকম আমাদের তো কোনো, ওরা সংসদের পক্ষ থেকে কোনো খবর দেয়নি আমাদের যে আমাদের কোনো আজকে কোনো অবস্থান আছে বা কিছু আছে, সেরকম কোনো সংসদের পক্ষ থেকে কোনো আমার কাছে কোনো চিঠিও নেই এবং কোনো ইয়েও নেই। সংসদের পক্ষ থেকে আজকে অফিসিয়ালি যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, এবার ওইখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি খোঁজ নিয়ে একটু দেখি ব্যাপারটা। অল্প কিছু সময়ের জন্য করেছিল ওরা, আমি দেখি ওরা কি বলতে চাইছে, ওদের হয়তো কোন সংসদের ওদের কোনো নিজের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য হতে পারে, হয়তো কি ব্যাপার ওরা আমাকে তো অফিসিয়ালি কি জানায়নি ব্যাপারে, এবং সংসদে যদি কোনো ইন্টারনাল ব্যাপার হয় সেটাও কলেজ কর্তৃপক্ষের অত মাথা খাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, কি ব্যাপার আমি জানি না এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি, যেহেতু আমায় কি জানায়নি। তবে ওরা আমি যখনই জেনেছি যে গেটে ওরা আটকাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কি ব্যবস্থা নিয়েছে এখন সরে গেছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘুরে গেল। हम लोगों का ओपिनियन यही है कि मैं बीबी कॉलेज का एजीएस हूँ, 2016-17 का जो इलेक्शन था उसके बाद एजीएस बना हूँ, तो हर काम में ये लोग अकेले कर जाते हैं, ना मुझे कोई मीटिंग में बुलाया जाता है ना कुछ भी होता है। इसके पहले
कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें कार्ड में मेरा नाम बहुत मुश्किल से लड़ाई करने के बाद इन लोगों ने दिया था। सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है पार्शियलिटी करने का, उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पास एक फोटो है जिसमें लिखी हुई है कि क्रिकेट का जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है उसका इन्विटेशन कार्ड में सबका नाम दिया हुआ है, यहाँ तक असिस्टेंट गेम सेक्रेटरी का नाम दिया हुआ है, लेकिन एजीएस कौन है? क्या इस कॉलेज में एजीएस नहीं है? एजीएस है तभी ना, ये मतलब हमारे जो जीएस हैं उन लोगों के टीम जो कुछ एक्स स्टूडेंट्स हैं कुछ उनके साथ है, हाँ हमारी पार्टी का है तिरुमल छात्रों का ही सत्ता है, लेकिन कुछ पार्शियलिटी की वजह से हमें ये आज स्टेप लेना पड़ा। गेट कब लोग बंद कर दिए? गेट बंद किए हैं इसका एक कारण है, गेट बंद करने का यही कारण है कि हम लोगों को मेरा जवाब मिल जाए, हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। सम फैक्टिविटीज है किसी को अंदर जाने दे रहे आप लोग? हाँ एकदम, जिनका एग्जाम हो रहा है उनको एकदम बाइज्जत हम लोग अंदर भेज रहे, क्योंकि हमें किसी का हक नहीं है कि किसी की लाइफ से हम लोग खेल सकें। आप लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड ये है कि जीएस आके हम लोग का जो डिमांड है कुछ डिमांड्स है उसको फुलफिल करें। अभियोग सम्पूर्ण मिथ्या, আমরা সব বিষয়ে আলোচনা করেই সব কিছু ঠিক করেছি এবং আমাদের সমস্ত দিক থেকে পরিকল্পনা করেই এত বড় একটা টুর্নামেন্ট দু বছর পরে আমাদের বিবি কলেজ ইন্টার ডিপার্টমেন্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠান হচ্ছে। তো আমরা যদি তাতে মনে কোনো ক্ষোভ থাকে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সেটা আমরা নিজেদের মধ্যে বসে ঠিক করে নেব, আর যদি কোনো প্রবলেম তাতেও টুর্নামেন্ট তাহলে আমরা দলের ওপর যা ওপর মহলে আমাদের যারা সিনিয়র দাদারা আছে ওনারা যেটা ডিসিশন নেবেন সেটা আমাদের ডিসিশন। এখনো পর্যন্ত কলেজের গেট বন্ধ করে কোনো কাউকে ঢুকতে যাচ্ছে না, অন্য কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিজাইন ইনচার্জ বুঝবেন ওটা ঠিক করে ছড়াবার ব্যবস্থা করে দেবেন।